प्रमुख योजनाएं हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दे रखा है इसमें जितने भी मोदी गवर्नमेंट की स्कीम है ज्यादातर वही सब दे रखी है। ठीक है, सबसे पहले ये कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रारंभ। इस योजना की औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से की। ठीक है, अब ये गोरखपुर से लॉन्च की गई इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू है तथा पात्र कृषक परिवारों को यह लाभ इसी तिथि के पश्चात की अवधि से दे है। उद्देश्य क्या है, इस योजना के तहत सभी पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्षतः 4 4 माह की 3 किस्तों, प्रत्येक किस्त में 2,000 ही आएगा, में उपलब्ध कराई जा रही है। ध्यातव्य है कि विधिक वर्ष 2022-23 के लिए इस योजना हेतु 68,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन योजना प्रारंभ। 28 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास का उपयोग करके एकीकृत बायो एथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन, जीवन का भी फुल फॉर्म है, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना को मंजूरी प्रदान की गई थी। वित्तीय प्रावधान जीवन योजना हेतु वर्ष 2018-19 से लेकर 2023-24 तक की अवधि के दौरान कुल 1969.50 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय का प्रावधान सुनिश्चित है। योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक स्तर पर 12 परियोजनाओं को और प्रदर्शन स्तर पर दूसरी पीढ़ी की 10 एथेनॉल परियोजनाओं को 2 चरणों में वित्तीय सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना प्रारंभ। कब हुआ इसका, 31 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वितीय कार्यकाल के प्रथम मंत्रिमंडलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी। प्रावधान क्या है, किसानों को इस योजना में शामिल होने की आयु 8 से 14 वर्ष निर्धारित है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपये की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के पात्र किसान द्वारा किए गए अंशदान के बराबर राशि ही केंद्र सरकार पेंशन निधि में जमा कराएगी। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन JJM प्रारंभ। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन स्टार्ट हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी। उद्देश्य क्या है, इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन जलापूर्ति, हर घर जल सुनिश्चित करना है। ठीक है, कब तक है, 2024 तक। ठीक है, 29 मार्च 2022 तक कुल इतने परिवार हैं, ठीक है, ग्रामीण घरों को नल कनेक्शन प्रदान किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इस मिशन हेतु 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है अटल भाषांतर योजना के क्या है प्रारंभ। विदेश मंत्रालय द्वारा भाषा विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने हेतु अटल भाषांतर योजना का शुभारंभ दिसंबर 2018 में किया गया था। प्रावधान क्या है, योजना के तहत भाषा विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करके हिंदी भाषा से अरबी, चीनी, फ्रेंच, जापानी, रूसी, स्पेनिश और विलोमतः अनुवाद भाषांतर हेतु विशिष्ट दुभाषियों का एक समूह तैयार करना है। निर्वाचन बॉन्ड योजना 2018। निर्वाचन बॉन्ड योजना 2018 को वित्त मंत्रालय के द्वारा 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया गया था। पात्रता क्या है, भारत का नागरिक, भारत में निगमित कोई प्रतिष्ठान तथा भारतीय व्यक्तियों का संघ निर्वाचन बॉन्ड खरीदने के पात्र होंगे। निर्वाचन बॉन्ड को भुनाने हेतु वही राजनीतिक दल पात्र होंगे जो जन प्रतिनिधि अधिनियम 151 की धारा 29 का के तहत पंजीकृत हों तथा जिन्हें लोकसभा अथवा विधानसभा पिछले आम चुनावों में कुल डाले गए मतों का कम से कम 1% मत प्राप्त हुआ हो। नेक्स्ट है प्रावधान, निर्वाचन बॉन्ड 1,000, 10,000,
1 लाख 10 लाख 1 करोड़ रुपए के मूल वर्ग में जारी किए जाते हैं। ठीक है, अभी बीच में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बोला जा रहा था कि सबसे ज्यादा लोग 1 करोड़ वाला खरीदते हैं क्योंकि सबसे हाई लिमिट यही है। इन बॉन्डों की वैधता उनके निर्गमन की तारीख से 15 दिन तक ही होती है। बॉन्ड खरीद लिया आपने बैंक से, आपको 15 दिन में उसको भुनाना होगा। इस अवधि में यदि इसे नहीं भुनाया जाता है तो यह राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दी जाती है। बॉन्ड पर लेनदार एवं देनदार का नामोल्लेख नहीं होता है, इससे दोनों की गोपनीयता बनी रहती है। भारतीय स्टेट बैंक के निर्वाचन बॉन्ड योजना के बिक्री का 29वां चरण 1 जनवरी 2022 से 10 जनवरी 2022 तक अपनी 29 प्राधिकृत शाखाओं को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और इन कैश करने के लिए अधिकृत किया गया। ठीक है, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि बहुत बड़ा फ्रॉड है। ठीक है, इलेक्शन के ही चलते पूरा करप्शन सिस्टम, हमारा जो करप्ट सिस्टम है वो किसके चलते हैं? सिर्फ इलेक्शन के लिए। जितने भी लीडर्स हैं सबको पैसा चाहिए भाई, इलेक्शन जीतने के लिए। बिना पैसा लगाए आप जीत नहीं पाओगे, चाहे आप ऑनलाइन अपना चलाना हो कैंपेन, चाहे ऑफलाइन चलाना हो, पैसा तो चाहिए। उसी पैसे के कमाने के चक्कर में जितने ये नेता पनेता हैं ये सब 5 साल बस उसी की भरपाई करने में लगे रहते हैं कि हमें अगला इलेक्शन जीतना है तो हमें वसूली करना है। उसी वसूली की जाती है, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितना भी कुछ है, तो इसी तरह पूरा करप्शन एक चेन बनती चली जाती है भाई। यदि इलेक्शन यदि हमारा क्लियर साफ सुथरा हो जाए ना, मुझे लगता है करप्शन बहुत कुछ कम किया जा सकता है। नहीं तो कोई होप नहीं है, आप चाहे जितनी स्कीमें बना लो, चाहे जितनी ट्रांसपेरेंसी ले आओ, सबके एक से एक तोड़ निकल आएंगे, करप्शन कभी खत्म नहीं हो पाएगा जब तक इलेक्शन साफ सुथरा नहीं है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना प्रारंभ। ये इलेक्टोरल बॉन्ड पे 2018 में मेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है, यूपीपीसीएस में। प्रारंभ किसान सॉरी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना प्रारंभ। मई 2017 में केंद्र प्रायोजित संपदा SAMPADA संपदा स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स को मंजूरी प्रदान की गई, जिसका 26 मई 2017 को पुनर्नामकरण करते हुए किसान संपदा योजना कर दिया गया था। ठीक है, ये भी यूपीपीसीएस मेंस 2018 में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, किसान संपदा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना पे शॉर्ट नोट था 8 नंबर में। ठीक है ना, तो ये स्कीम भी, ये जो हम अभी जो कर रहे हैं हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए तो खास है। वर्तमान में यह योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY के रूप में जानी जाती है। उद्देश्य, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है जिसके परिणाम स्वरूप खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा। इससे देश के न केवल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को वृद्धि तीव्र गति प्राप्त होगी, बल्कि यह किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने तथा किसानों की आय दोगुना करने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के भारी अवसर का सृजन करने, कृषि उपज की बर्बादी में कमी लाने, प्रसंस्करण तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात के स्तर को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इस योजना के अंतर्गत निम्न स्कीमों का कार्यान्वयन किया जाएगा, जैसे हमें मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन और विस्तार करना है, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर और संरचना करनी है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस का सृजन करना है, खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना तथा मानव संसाधन एवं संस्थान। फिर है, ज्ञातव्य है कि वर्ष 2022-23 में इस योजना को 900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है सॉरी राष्ट्रीय पोषण मिशन, अभी तो 4 भी आ गया है, हमने देखा था, स्वीकृति। देश में पोषण के स्तर में सुधार तथा कुपोषण जनित समस्याओं के समाधान हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय पोषण मिशन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य ठिगनेपन, अल्प पोषण तथा जन्म के समय कम वजन के बच्चों में प्रत्येक में 2% वार्षिक की कमी लाना है।
रक्तालुता के संदर्भ में प्रतिवर्ष 3% की कमी लाने का लक्ष्य है। ठिगनेपन या अल्प विकास के मामले को 38.4% NFHS-4 से कम करके वर्ष 2022 तक कितना करना है, 25% तक लाने का लक्ष्य है। प्रावधान क्या है इस मिशन के तहत? वर्ष 2017-18 में 315 जिले, 2018-19 में 235 जिले तथा वर्ष 2019-20 में शेष सभी जिलों को शामिल करना था। वर्ष 2017-18 से प्रारंभ होकर अगले 3 वर्षों की अवधि हेतु इस मिशन को 9046.17 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था। इस मिशन हेतु आवंटित राशि में 50% भारत सरकार के बजटीय समर्थन द्वारा, जबकि शेष 50% IBRD अथवा अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों MDB से जुटाया जाना था। आगे बढ़ते हैं। बजटीय समर्थन में केंद्र एवं राज्यों का योगदान सामान्य राज्यों हेतु कितना है, 60:40 के अनुपात में, और विशेष राज्य में 90:10 के अनुपात में विभाजित होना था। बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% सहायता केंद्र सरकार के द्वारा की जानी थी। इस मिशन से 10 करोड़ से अधिक लोगों के लाभान्वित होने का अनुमान है। भारत में बाल संरक्षण एवं कल्याण से संबंधित सर्व प्रमुख योजना समेकित बाल विकास सेवा है, जिसके तहत आंगनवाड़ी सेवा, राष्ट्रीय पोषण मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, किशोरियों के लिए स्कीम, राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम, बाल संरक्षण जैसी योजनाएं शामिल हैं। नेक्स्ट है गंगा ग्राम परियोजना प्रारंभ। गंगा ग्राम परियोजना का शुभारंभ 23 दिसंबर 2017 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन में किया गया था। यह परियोजना नमामि गंगे के अंतर्गत आती है। प्रावधान क्या है इस परियोजना के तहत? गंगा के किनारे स्थित 4,470 गांवों का स्वच्छता आधारित एकीकृत विकास किया जाना प्रावधानिक है। इसके तहत ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन, तालाबों एवं जल संसाधनों का पुनरुद्धान, जल संरक्षण परियोजनाएं, जैविक बागवानी एवं चिकित्सीय पौधों की कृषि को प्रोत्साहन संबंधी आदि कार्यक्रम संचालित हैं। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय इस परियोजना की क्या है, नोडल एजेंसी। नेक्स्ट है संकल्प और स्ट्राइव योजना स्वीकृत। 11 अक्टूबर 2017 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा संकल्प और स्ट्राइव योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी। प्रावधान क्या है? संकल्प एवं स्ट्राइव योजनाएं विश्व बैंक के द्वारा समर्थित हैं। संकल्प आजीविका संवर्धन हेतु कौशल, आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता। संकल्प स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन का संक्षिप्त रूप है। उसी तरह स्ट्राइव क्या है, स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट का संक्षिप्त रूप है। दोनों योजनाएं बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास से संबंधित हैं। उद्देश्य इन योजनाओं का उद्देश्य संस्थागत सुधार और लंबी और छोटी अवधि के BET व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता और बाजार प्रासंगिकता में सुधार करना। नेक्स्ट है दीनदयाल स्पर्श योजना। दीनदयाल स्पर्श योजना का शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को तत्कालीन दूरसंचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मनोज सिन्हा, अभी क्या है LG है, कहाँ के अभी है, जम्मू कश्मीर के, ठीक, तो मनोज सिन्हा ने इसको लॉन्च किया था। प्रावधान क्या है? डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि बढ़ाने तथा इन क्षेत्र में शोध कार्य को प्रोत्साहित करने हेतु एक छात्रवृत्ति योजना है। इसका पूर्ण रूप है डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि और शोधकर्ता के प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति स्पर्श स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प एज अ हॉबी। यह कक्षा 6 से 9 तक के विद्यार्थियों के लिए है। इसके तहत 6,000 रुपये प्रति वर्ष मतलब 500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है साथी पहल। साथी साथी मतलब सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज।
कपड़ा मंत्रालय एवं विद्युत मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। इस पहल का कार्यान्वयन अखिल भारतीय आधार पर संयुक्त रूप से ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड और कपड़ा आयुक्त कार्यालय के द्वारा किया जा रहा है। इस पहल हेतु 24 अक्टूबर 2017 को समझौता किया गया था। प्रावधान क्या है? इस पहल के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के अधीन ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL द्वारा थोक मात्रा में ऊर्जा दक्ष पावर लूम मोटर एवं रैपिड किट की मशीनें खरीदकर उन्हें लघु एवं मध्यम पावर लूम इकाइयों को बिना किसी अग्रिम लागत के प्रदान की जाएगा। पावर लूम धारकों द्वारा इसे 4 से 5 वर्षों में किस्तों में इन मशीनों का पुनर्भुगतान EESL को किया जाएगा। इससे पावर लूम उद्योगों की दक्षता ऊर्जा दक्षता तथा उत्पादकता दोनों में बढ़ोतरी आएगी। नेक्स्ट है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। इसको प्रारंभ किया गया था 13 अक्टूबर 2017 को तत्कालीन दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा के द्वारा। प्रावधान क्या है? योजना के तहत प्रत्येक जिले से कम एक गांव जिसमें न्यूनतम 100 परिवारों हों को चिन्हित कर उस गांव के सभी परिवारों को कम से कम एक ग्रामीण डाक जीवन बीमा RPLI पॉलिसी से आच्छादित करना। इसके अंतर्गत सभी सांसद आदर्श ग्रामों को भी समेकित करना। नेक्स्ट है सौभाग्य योजना। 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य का शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के सभी घरों का विद्युतीकरण करना है। प्रावधान क्या है? योजना के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क जबकि अन्य परिवारों को 500 रुपये के भुगतान पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना है। इस परियोजना के हेतु कुल 16,320 करोड़ रुपये, ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 14,025 करोड़ रुपए तथा शहरी क्षेत्रों हेतु 2,295 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत 3 करोड़ गैर विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है योजना का परिचालन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड REC के द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसका प्रारंभ किया गया था 1 जनवरी 2017 से। प्रावधान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के प्रथम बच्चे के जन्म पर पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु 5,000 रुपये नकद प्रदान किए जाते हैं। यह राशि 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। पहले 1,000 रुपये, 1,000 रुपये की पहली किस्त गर्भावस्था के पंजीकरण के समय दिया जाएगा। फिर 2,000 रुपये की दूसरी किस्त गर्भावस्था के 6 माह बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराने के बाद दिया जाता है और 2,000 रुपये की तीसरी किस्त बच्चे के जन्म के पंजीकरण होने तथा उसके टीकाकरण चक्र शुरू होने पर मिलता है। इस योजना में केंद्र या राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियमित कर्मचारी महिलाएं शामिल नहीं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा नई दिल्ली से की गई थी। प्रावधान क्या है? यह 60 वर्ष या उससे अधिक वयु के वरिष्ठ नागरिकों हेतु एक पेंशन योजना है। इस योजना को 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना के संचालन का दायित्व भारतीय जीवन बीमा निगम का है। आगे बढ़ते हैं। माँ कार्यक्रम। माँ क्या है? मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। शुभारंभ किया गया है 5 अगस्त 2017-16 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। लक्ष्य क्या है? स्तनपान के लाभ के बारे में विशेष रूप से माताओं को जागरूक करना तथा स्तनपान को ब्रेस्ट फीडिंग को हमें बढ़ावा देना है। वित्तीयन,
मंत्रालय द्वारा 30 करोड़ रुपए का आवंटन पिछले जिले प्रत्येक जिले के लिए 4.3 लाख रुपए इसके लिए दिया गया है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट या जो भी कुछ पॉम्पलेट वगैरह बंटवाना हो, जो भी कुछ करना हो इसमें होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना योजना घोषणा हुई है 13 जनवरी 2016 को, प्रारंभ हुआ है खरीफ वर्ष 2016 से प्रभावी। लक्ष्य क्या है? प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों के परिणाम स्वरूप फसलों की क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना, फसल कवरेज। इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें शामिल की गई हैं। किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि कितना है? खरीफ की फसल पर 2%, रबी की फसल पर 1.5% और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों पर 5%। प्रीमियम राशि, बीमित राशि या अनुमानित भावी क्षति, दोनों में से जो कम हो का निर्दिष्ट प्रतिशत होगा। नेक्स्ट है फसल बीमा योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अनुमोदन 1 जुलाई 2015 को। इस योजना में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समेकित वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम, खेत में जल प्रबंधन को मिला दिया गया है। लक्ष्य क्या है? उचित प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश संवर्धन कार्यान्वयन। राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की निगरानी एवं निरीक्षण प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक अंतर मंत्रालय राष्ट्रीय संचालन समिति NSC द्वारा की जाती है, जिसमें सभी संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री सदस्य हैं। राज्यों के कृषि विभाग इस योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी होंगे। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 12,954 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रारंभ किया गया है 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। राजस्थान के सूरतगढ़ से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वस्थ धरा खेत हरा नामक नारा भी दिया था। लक्ष्य क्या है? मृदा स्वास्थ्य में सुधार एवं किसानों की मृदा की वास्तविक स्थिति को बताना, जिससे संपोषणीय कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। अगले 3 वर्षों में 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना। ये कार्ड प्रत्येक 3 वर्ष के एक चक्र में एक बार जारी किए जाएंगे। यह योजना कृषि एवं सहकारिता विभाग की देख रेख में भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है। मेक इन इंडिया, इसको 15 सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। विनिर्माण क्षेत्र के संवर्धन हेतु भारत को महत्वपूर्ण विनिर्माण निवेश तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित करना। इसके लिए 25 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई है। वर्ष 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 16% से बढ़ाकर 25% तक करना एवं इस क्षेत्र में 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते। 16 अक्टूबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया। लक्ष्य क्या है? श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता एवं दक्षता के माध्यम से औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल परिवेश बनाना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 योजनाएं कौन कौन है? समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल, आकस्मिक निरीक्षण की नई योजना, यूनिवर्सल खाता संख्या, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना तथा पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शामिल की गई है। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन प्रारंभ किया गया है 25 जून 2015 को। उद्घाटन 25 जून 2016 को पुणे में कार्यान्वयन रूप में। लक्ष्य क्या है? शहरों में मूल बुनियादी सुविधाओं का विकास कर नागरिकों को स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली प्रदान करने के साथ एक स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण का निर्माण करना। सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र रूप से 100 स्मार्ट सिटीज वितरित किए जाने का लक्ष्य है। सबसे ज्यादा स्मार्ट शहर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में कितने? 13। उसके बाद दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, कितने हैं? 12। वित्तीय केंद्र द्वारा प्रति शहर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए और इतनी ही राशि का योगदान राज करता। नेक्स्ट है अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन।
25 जून 2015 को नई दिल्ली से इसको प्रारंभ किया गया है। लक्ष्य क्या है? 1 लाख से अधिक की आबादी वाले सभी शहरों सहित सभी राजधानियों में परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। प्रमुख क्षेत्र जलापूर्ति, सीवरेज सुरक्षा एवं सेप्टेज प्रबंधन, बाढ़ को कम करने हेतु वर्षा जल का प्रबंधन, पैदल मार्ग, गैर मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं तथा पार्किंग स्थल, बच्चों के लिए हरित स्थलों, पार्कों तथा मनोरंजन केंद्रों का निर्माण एवं उन्नयन जिनसे शहरों की भव्यता बढ़े। वित्तीय वर्ष 2015-16 से 5 वर्ष के लिए कुल परिव्यय कितना था? 50,000 करोड़ का दिया गया था। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया। प्रारंभ 15 अगस्त 2015 को, 15 अगस्त 2015 को योजना 5 अप्रैल 2016 को नोएडा में शुभारंभ किया। ठीक है, 15 अगस्त 2015 में तो इसकी घोषणा कर दी प्रधानमंत्री जी ने और 5 अप्रैल 2016 को नोएडा से इसका शुभारंभ किया गया। किसका? स्टैंड अप इंडिया का। लक्ष्य क्या है? संस्थागत साख संरचना तक अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों की पहुंच को आसान बनाना। सभी वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति जनजाति तथा एक महिला ऋण ग्रहियों को 10 लाख से 1 करोड़ तक, मेरे ख्याल से 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण किसी नव उद्यम हेतु उपलब्ध करवाना। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सिडबी द्वारा पुनर्वित्तीय पोषण किया जाएगा। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड NCGTC 5,000 करोड़ रुपए के कोष के माध्यम से एक क्रेडिट गारंटी तंत्र बनाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रारंभ 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लक्ष्य क्या है? आगामी 4 वर्षों मतलब 2016 से 2020 के दौरान देश के 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना है। योजना में श्रम बाजार में नव प्रवेशी और 10वीं तथा 12वीं की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों को प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। योजना में प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन 8,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिए जाने का भी प्रावधान है। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका प्रारंभ किया गया था 25 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से। लक्ष्य क्या है? लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके लिंगानुपात को ऊपर उठाना। प्रारंभ में इस देश के सबसे कम लिंगानुपात वाले 100 जिलों में लागू किया गया था, जिसके तहत 1 वर्ष में जन्म लिंगानुपात SRV मतलब सेक्स रेशियो एट बर्थ में 10 अंकों की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। वर्तमान में इस योजना का विस्तार भारत के समस्त जिलों तक किया जा चुका है। यह 3 मंत्रालयों कौन कौन? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त पहल है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सिलेंडर वाली प्रारंभ इसका किया गया है 1 मई 2016 कहाँ से? बलिया से। लक्ष्य क्या है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन LPG उपलब्ध कराना। इसका क्या है लक्ष्य है? आदर्श विवाह क्या है? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। योजना के अंतर्गत 3 वर्षों मतलब 2016 से 2019 में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 5 करोड़ परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बजट 2018-19 में संशोधित करके 8 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह योजना BPL परिवारों के प्रत्येक LPG कनेक्शन पर 1600 करोड़ 1600 1600 अच्छा हो सकता है, हाँ हाँ ठीक है, 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान कर दी। नेक्स्ट है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन प्रारंभ। यह मिशन वर्ष 1999 में शुरू की गई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY की उत्तरवर्ती योजना है, जिसे 3 जून 2021 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में परिवर्तित किया गया है। ठीक है, 2015 में पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था लेखपाल के कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इसका फुल फॉर्म क्या है, SGSY का फुल फॉर्म पूछा गया।
ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, लक्ष्य क्या है इसका? ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं कुशल मजदूरी रोजगार के माध्यम से गरीबों की आजीविका में सतत सुधार करना, प्रत्येक ग्रामीण परिवारों की कम से कम एक महिला सदस्य को समयबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूह SHG के अंतर्गत लाना। योजना के तहत लगभग 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों की आजीविका में सुधार का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीयन केंद्र एवं राज्यों द्वारा 75:25 के अनुपात में सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों हेतु यह अनुपात 90:90:10 तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्र के द्वारा इसका वित्तीयन किया जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्र स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया प्रारंभ किया गया इसको 15 अगस्त 2015 को, तो इसकी घोषणा करिए, लेकिन 16 जनवरी 2016 को उसको शुभारंभ किया गया। उद्देश्य क्या है? नवोन्मेष को बढ़ाना तथा कारोबार की शुरुआत हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन करना। अर्हता क्या है? कंपनी का गठन अथवा पंजीकरण भारत में हो। संस्था के पंजीकरण निम्नीकरण की तिथि से 7 वर्ष, बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र हेतु 10 वर्ष तक, ज्ञातव्य है कि पहले यह 5 वर्ष थी। ठीक है, आगे हैं। किसी वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार टर्नओवर 25 करोड़ से अधिक ना हो। यह प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा आधारित नए उत्पादों, प्रतिक्रियाओं अथवा सेवाओं के नव प्रवर्तन, विकास, अनुप्रयोग या वाणिज्यीकरण के संबंध में कार्य कर रहा हो, या इसमें बड़ी मात्रा में रोजगार सृजन अथवा परिसंपत्ति सृजन का सामर्थ्य विद्यमान हो। नव प्रवर्तन आधारित स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड की स्थापना की गई है। इस फंड का प्रबंधन मैनेजमेंट कौन करता है? SIDBI करता है। SIDBI कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? लखनऊ में। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु स्टार्टअप इंडिया अभियान का नाम दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना रखा गया है। नेक्स्ट है ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम, प्रारंभ किया गया है 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म ई नाम शुभारंभ किया गया है। ई नाम वस्तुतः अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। लक्ष्य क्या है? वर्तमान कृषि उपज विपणन समितियों APMC की मंडियों को एकीकृत कर कृषि जिन्सों हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का विकास करना है। 23 मार्च 2018 तक 16 राज्यों की 585 मंडियां इस ई नाम से जुड़ चुकी हैं। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यान्वयन एजेंसी स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम SFAC इसका कार्यान्वयन करेगा। नेक्स्ट है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। 23 सितंबर 2013 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM का शुभारंभ किया गया था। वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित करके दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DAYNULM कर दिया गया है। तब नामकरण ही चलता रहता है। लक्ष्य क्या है? शहरों में लाभान्मुख रोजगार तथा कौशल आधारित रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर शहरी गरीबी एवं उसकी सुभेदता उपेक्षितता को दूर करना है। शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं से युक्त आश्रय प्रदान करना है। 20 फरवरी 2016 को सरकार ने देश के सभी सांविधिक शहरी स्थायी निकायों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। वित्तीयन की साझेदारी केंद्र तथा राज्यों के मध्य 75:25 के अनुपात में तथा पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्यों में यह अनुपात 90:10 का हो जाएगा। इस मिशन में कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार के तहत प्रत्येक शहरी गरीब के प्रशिक्षण पर 15,000 रुपये तक व्यय किए जाते हैं, जबकि पूर्वोत्तर एवं जम्मू कश्मीर में इस पर 18,000 रुपये तक व्यय किए जाते हैं। इस मिशन का कार्यान्वयन आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। 25 जून 2015 को इसको स्टार्ट किया गया। वर्ष 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना था। यह योजना जनगणना 2011 के अनुसार घोषित सभी
4041 सांविधिक कस्बों मतलब स्टैट्यूटरी टाउन्स को कवर करेगी। कार्यान्वयन 3 चरणों में होगा। अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक 100 शहरों के लिए, अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक के लिए 200 शहर, और अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2022 तक शेष सभी शहरों को इसमें कवर करना था। फिर है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रारंभ इसका 20 नवंबर 2016 को। लक्ष्य क्या है? वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास वित्तीय मैदानी क्षेत्रों में प्रति इकाई 1.20 लाख रुपए और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। लाभान्वितों की पहचान हेतु सामाजिक आर्थिक जाति गणना जनगणना 2011 का उपयोग किया गया जाएगा। लाभान्वित को 70,000 रुपये तक ऋण लेने की सुविधा है। मकान के मौजूदा 20 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर तक कर दिया गया है। वित्तीय 60:40 मैदानी क्षेत्र में और 90:10 पहाड़ी क्षेत्र में। प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु बजट 2022-23 में 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन प्रारंभ किया गया है इसको 21 फरवरी 2016 को। लक्ष्य पूरे देश में स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु 300 ग्रामीण क्लस्टरों का विकास, जिन्हें रूर्बन क्लस्टर नाम दिया गया था। राज्य सरकारों द्वारा ऐसे ग्राम पंचायतों के समूह का चयन किया जाएगा जिनकी जनसंख्या एक मैदानी तथा तटीय भागों में कितनी हो, 25 से 50 हजार हो, और रेगिस्तानी पहाड़ी द्वीपीय तथा जनजातीय क्षेत्रों में 5 से 15 हजार तक हो। फिर वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसमें 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उदय योजना क्या है? उज्ज्वल डिस्काउंट इंश्योरेंस योजना प्रारंभ 20 नवंबर 2015। लक्ष्य बिजली वितरित कंपनियों डिस्कॉम को वित्तीय सुविधा एवं पुनरुत्थान करना था। कार्यान्वयन ऊर्जा मंत्रालय कर रहा है। झारखंड इस योजना में शामिल होने वाला पहला राज्य था। प्रधानमंत्री जनधन योजना ये तो बड़ी फेमस योजना थी। 28 अगस्त 2014 को मेरा खाता भाग्य विधाता आदर्श वाक के साथ इसको लॉन्च किया गया था। वंचित भागों का वित्तीय समावेशन करना था। घटक वंचित एवं गरीब लोगों को वित्तीय सेवाओं तथा बचत बैंक खाता साख बीमा पेंशन आदि की इसमें उपलब्धता होगी। वित्तीय जागरूकता का संवर्धन एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से संबंध करना। रुपए डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी देंगे इसमें। उपलब्धि योजना के तहत 4 अप्रैल 2018 को 4 अप्रैल 2018 तक कुल 31.42 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इनमें से लगभग 81% खाते वाणिज्यिक बैंकों में खोले गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को उसको लॉन्च किया गया था। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी का गठन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के एक अनुषंगी इकाई के रूप में किया गया है। लक्ष्य क्या है? धनहीन को धन प्रदान करना, फंडिंग टू द अनफंडेड, पिरामिड के निम्नतम स्तर के व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम एवं वैश्विक स्तर की एकीकृत वित्तीय सहायता सेवा प्रदान करना। सुविधाएं क्या है इसमें? योजना के अंतर्गत सूक्ष्म संस्थानों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। शिशु उद्योग मतलब 50,000 रुपये तक का इसमें इन्वेस्टमेंट हो। किशोर उद्योग 50,000 से 5 लाख रुपए तक, और तरुण उद्योग 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हो। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना इसका प्रारंभ हुआ है 1 जून 2015 की 1 जून 2015 पूर्व की स्वावलंबन योजना का विलय। लक्ष्य निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित गरीब कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अभी दाताओं को उनके अंशदान के आधार पर वर्ष 2000 के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरा होने पर 1,000 से 5,000 के बीच पेंशन का प्रावधान है। ठीक, लेकिन इन सब चीजों में बड़ी चीज और भी है ना कि आगे चल के मतलब हमारी महंगाई कितनी बढ़ चुकी होगी। कि अब ये तो मालूम पैसे अंशदान कर रहे हैं, आज से 30 साल बाद भाई 5,000 में पैसा चलेगा? मुझे नहीं लगता, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। पात्रता है
18 से 14 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाता धारक पात्र हैं इसके। नेक्स्ट है, अविदाता द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष है। 5 वर्षों तक अंशदान का 50% या 1,000 रुपया प्रतिवर्ष जो भी कम हो का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रारंभ किया गया था 9 मई 2015 को कोलकाता से। लक्ष्य क्या है? सभी भारतीय विशेषकर गरीब और कमजोर तबकों एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का निर्माण। योजना की अवधि है 1 वर्ष, 1 जून से 31 मई। पात्रता क्या थी इसकी? 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाता धारक पात्र होंगे। वार्षिक प्रीमियम राशि है केवल 12 रुपए, ठीक है। और दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता पर 2 लाख रुपया, आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपया दिया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 9 मई 2015 को। लक्ष्य क्या है? जीवन बीमा को बढ़ावा देने के साथ साथ पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना। पात्रता है 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति। प्रीमियम राशि है 330 रुपये। जोखिम कवरेज है 2 लाख रुपए का। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ये सबसे लास्ट हमारी स्कीम है आज की। प्रारंभ इसको 2 अक्टूबर 2014 में किया गया था। लक्ष्य क्या है? गांधी जी की 150वीं जयंती, मतलब 2 अक्टूबर 2050, 2019 तक, सॉरी 50 बोल रहे हैं, 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना, ये उस टाइम का बनाया गया था टारगेट। बजट 2022-23 में इस अभियान हेतु 2300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय 75:25 के अनुपात में और पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु 90:10 का इसमें होता है कंट्रीब्यूशन। नोट, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हेतु बजट 2022-23 में 7,192 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जितनी भी स्कीम्स थी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी, इनको हमने कवर कर लिया है। अभी चाहे लेखपाल हो, चाहे आगे अगले साल का PCS हो, आजकल कोई भी स्कीम पुरानी स्कीम नहीं है। आजकल सब कुछ पूछा जाता है, मतलब कि अब जैसे हमें लगता है कि भाई बीजेपी की गवर्नमेंट है तो कांग्रेस की स्कीम नहीं पूछी जाएंगी, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कांग्रेस की स्कीमें भी पूछ रहे हैं, सपा की भी स्कीमें पूछ रहे हैं, उनको तो ऐसा क्वेश्चन देना है जो हम आंसर ना कर पाए, ठीक है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि आपको अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।